तार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं MPS सर। और आज कैसे हैं बच्चों? आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और इस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो सभी बच्चे अब से हमको क्वालिफाई करने के। तो आज के मैं टॉपिक में बात करूंगा या प्रमुख नियुक्तियां 2024 के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जनवरी मंथ का और फरवरी एंड मार्च मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट नियुक्त किया गया है पर डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो यह नवनीत कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया है। यह IAS अधिकारी हैं। ठीक है, नवनीत कुमार सहगल जी हैं जो IAS अधिकारी हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस पद पर कितने साल तक यह पद खाली था, यह 4 सालों से यह पद खाली था, जिसके बाद यह नवनीत कुमार सहगल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, यह ए सूर्य कुमार प्रकाश, ए सूर्य प्रकाश के स्थान पर अमित नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, जो इनका कार्यकाल समाप्त कब हुआ था? फरवरी 2020 में ही समाप्त हो गया था। जो 2020 से अभी तक ये खाली था, जब वो हाल में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भारतीय प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं, यह प्रसार भारती कैसा एक निकाय है बच्चों? एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। प्रसार भारती एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है जो इस पद पर नियुक्त किया गया है। और यह भारत का लोक सेवा प्रशासक भारतीय अधिनियम 1990 के तहत स्थापित किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसकी अस्तित्व में कब आया था, यह तो 23 नवंबर 1997 को यह प्रसार भारती अपने अस्तित्व में आया हुआ था, जो इस पद पर नवनीत कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसको किसको नियुक्त किया गया बच्चों? तो यह ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी को नियुक्त किया गया है। या ज्ञानेश कुमार जी और संधू जी हैं जो इसको नियुक्त किया गया है। और ये आपसे पूछा जाए कि ये दोनों IAS से रिटायरमेंट अधिकारी हैं। ठीक है, ये दोनों सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। और ये दोनों व्यक्ति किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के इस्तीफा देने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम आपसे बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी किस कौन से हैं, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में है। ठीक है बच्चों, अगर यह मुख्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो यह न्यू दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो यह 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयुक्त की स्थापना किया गया था। अगर ये भारतीय चुनाव आयुक्त की स्थापना का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है बच्चों भारतीय संविधान की? तो यह 324 अनुच्छेद के तहत इसमें व्याख्या किया गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यानी NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किशोर मकवाना जी हैं। किशोर मकवाना जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही लव कुश कुमार को भी इसके सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं किशोर मकवाना जी के बारे में। ठीक है, किशोर मकवाना जी के बारे में, यह भाजपा की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है। इसके साथ ही वह एक पत्रकार, स्तंभकार और लेखक भी हैं। यह तीनों पद के साथ भी यह पत्रकार, स्तंभकार और लेखक भी हैं। और यह 33 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया हुआ है। ठीक है, या किशोर मकवाना जी 33 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया गया है। जो पुस्तकों में है, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में इन्होंने लिखा है, और शिवाजी महाराज के जीवन के और कार्यकाल के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर की इन्होंने 9 पुस्तकों का लेखन किया हुआ है।
जो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है और जिसके कारण यह उनको अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 ईस्वी में किया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है बच्चों, तो एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया जाता है बच्चों, तो यह 2003 के अधिनियम के तहत किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। और एएस राजीव के पास 38 वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है इनके इनके कार्यकाल के कार्य में 38 वर्षों का अनुभव है, जो इन्होंने 4 बैंकों में काम किया है। ये 4 बैंक कौन कौन से हैं, तो यह सिंडिकेट बैंक है, इंडिया बैंक है, और विजया बैंक है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये चारों बैंक में इन्होंने 38 वर्षों में कार्य किया है, जो इनके पास अच्छा अनुभव है, जो किसी भी कार्य को निष्पादित करने में सक्षम है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब किया गया बच्चों, तो यह 4 फरवरी 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो यह नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था बच्चों, तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगर हम एज की बात करते हैं, तो ये 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह देवेंद्र झझरिया जी हैं, जो उनको पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उन किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों, तो इनकी नियुक्ति दीपा मलिक के स्थान पर इनकी नियुक्ति किया गया है। ठीक है बच्चों, और यह अन्य नए सदस्यों को भी इस समिति के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। तो उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं, तो आर चंद्रशेखर उपाध्यक्ष, आर चंद्रशेखर और सत्य प्रकाश संगवान जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं महासचिव के बारे में, महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जयवंत अमनवार को भी इनको महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कोषाध्यक्ष ये सुनील प्रधान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त सचिव ललित ठाकुर और टी दिवाकरन को यह नियुक्त किया गया है। तो और इसके साथ ही 5 अन्य सदस्यों को भी कार्यकाल में शामिल किया गया है। तो इन सारे पदों पर इन नियुक्तियों को नियुक्त किया गया है। हम बच्चों ये बात को हम बता दें कि यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर सार संग्रह 01 पर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को बारे में अधिक से शेयर करिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट में देवेंद्र झझरिया की उपलब्धियों के बारे में, स्वर्ण की उपलब्धि के बारे में। यह भाला फेंक खिलाड़ी है। ठीक है देवेंद्र झझरिया, और ये 2004 में एथेंस और 2006 में रियो पैरा ओलंपिक के तहत स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, 2004 में एथेंस और 2016 की रियो ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इसके साथ ही 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक और एशियन पैरा गेम्स 2014 में रजत पदक भी जीता हुआ है। और 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड और 15 में सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया हुआ है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही 2022 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है,
और यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय डबल पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय डबल पैरालंपिक में डबल पदक किसने जीता हुआ है, तो यह देवेंद्र झरझरिया ने जीता हुआ है। और 2017 ईस्वी में खेल रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है बच्चों। और 2004 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 2012 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनके पास इतने सारे उपलब्धि होने के कारण इसके पद पर नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह राजेंद्र प्रसाद गोयल जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है SAP भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष एवं प्रबंध महानिदेशक। SAP भारतीय उपमहाद्वीप का अध्यक्ष एवं प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह मनीष प्रसाद जी हैं जिन्हें SAP महाद्वीप का अध्यक्ष एवं प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। या इसके पद पर नियुक्त किया गया है, तो यह गुलमीत बाबा के स्थान पर इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है स्लाइस की नए ब्रांड एम्बेसडर। स्लाइस कंपनी है जो मैंगो की, वो किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है, तो यह नयन तारा जी को नियुक्त किया हुआ है। तो हर एग्जाम में आपके अपॉइंटमेंट से एक से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप ध्यानपूर्वक क्लास को ध्यान लीजिए और लास्ट तक इस क्लास के साथ बने रहिए। अगले है कि हंगरी के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्लियो को हंगरी का नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्हें पक्ष में 134 और विरोध में 5 वोट पड़े हुए हैं, इसके कारण उन्होंने हंगरी के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है और वह स्कैंडल फॉल आउट का स्थान लिया है। अगर हम बात करते हैं कि हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो स्कैंडल फॉल आउट का जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। यह बाल यौन शोषण के मामले में इनके विरोध कार्रवाई चल रही है, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके जगह पर यह हंगरी के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अब अगले देखते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की पहली महिला स्नाइपर। BSF की पहली महिला स्नाइपर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जी हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जी को स्नाइपर के पद पर इसे नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुमन कुमारी BSF के पद पर कब शामिल हुई थी, तो 2021 ईस्वी में BSF में यह शामिल हुई थी और यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाली हैं और एक समान पृष्ठभूमि से इनका संबंध है, उन्होंने मेहनत के बल पर इस पद पर कायम हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि BSF की स्थापना कब किया गया था बच्चों, तो इनकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को किया गया था। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि BSF के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है बच्चों, तो यह नितिन अग्रवाल जी हैं जो अभी वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं, जो एक IPS अधिकारी भी हैं। अब नेक्स्ट है बिहार के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। बिहार के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया बच्चों, तो यह ब्रजेश मेहरोत्रा जी हैं, जिसे बिहार के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चों। यह मुख्य सचिव अमीर सुभानी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है और यह 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में यह राजस्व भूमि सुधार विभाग के उप प्रमुख सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। तो इन सारे कार्यों के कारण बिहार के नए मुख्य सचिव के पद पर ब्रजेश मेहरोत्रा जी को नियुक्त किया गया है। अगला है एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों,
तो यह जय शाह जी को नियुक्त किया गया है। जय शाह जी को यह तीसरे बार यह इस पद पर यह नियुक्त किया गया है। इसके पहले 2021 ईस्वी में नजमुल हसन के स्थान पर जय शाह जी को 2021 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त किया गया था। यह नजमुल हसन बंगाल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्यरत थे। 2021 ईस्वी में इस्तीफा देने के बाद यह जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। और यह आपको याद करके रखना है बच्चों, यह लगातार तीसरे बार इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला नियुक्ति कौन है? तो यह झारखंड का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है बच्चों, तो यह झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को नियुक्त किया गया है। और वह किसके स्थान पर नियुक्त किया गया बच्चों? तो यह हेमंत सोरेन जी के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। और यह झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह चंपई सोरेन जी है और उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको याद करके रखना होगा कि झारखंड टाइगर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीड पेट्रोल के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कि BPCL के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नीरज चोपड़ा जी को। यह नीरज चोपड़ा जी है, यह BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? तो यह अनुराग अग्रवाल जी हैं जिन्हें संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। क्यों बनाया गया है बच्चों? जो हाल ही में संसद पर अटैक किया गया था, उसकी सुरक्षा की देखभाल करने के लिए यह संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। जो यह संसद भवन की देखभाल की हमारे लिए हुए हैं और इसकी सुरक्षा के बारे में रणनीति बनाएंगे और इस पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यह वर्तमान में SSB के महानिदेशक भी हैं। यह SSB के महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोकपाल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकपाल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह अजय मानिक राव खानविलकर जी हैं। अजय मानिक राव खानविलकर जी को लोकपाल के अध्यक्ष बनाया गया है, जो यह सुप्रीम कोर्ट के यह पूर्व न्यायाधीश है। ठीक है, और नियुक्ति के साथ ही कई सदस्यों को नियुक्त किया गया। कौन कौन से सदस्य? या दिगंबा नारायण स्वामी, ठीक है, जस्टिस संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में सुशील चंद्रा जी हैं, पंकज कुमार जी हैं और अजय तिर्की जी को अन्य सदस्य में नियुक्त किया गया है। लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किसके तहत किया गया बच्चों? तो यह 2013 के अधिनियम के तहत लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी जानते होंगे कि UPSC बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है जो सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करती है। उन्हीं में से कुछ सदस्यों को चयन करता है जो एग्जाम की देखभाल करते हैं और तो कार्रवाई करते हैं। तो यह UPSC के एक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में बच्चों? तो यह सिलवर्धन सिंह जी हैं। सिलवर्धन सिंह जी को UPSC के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह किस पद पर नियुक्त हैं? तो बच्चों यह CISF के यह पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं, या पूर्व महानिदेशक के पद पर भी इन्होंने कार्य कर चुका है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री। पाकिस्तान के प्रांत के पहली मुख्य
पहले महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह मरियम नवाज जी है, ठीक है, मरियम नवाज जी को है। और यह किस पार्टी के नेता है बच्चों? तो पीएमएलएन की पार्टी के नेता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO के महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को यह नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट के आइकन किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब स्टेट का आइकन आपसे पूछा जाए, किसे बनाया गया है बच्चों? तो शुभमन गिल है जो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, जिनको पंजाब स्टेट का आइकन बनाया गया है, आइकन नियुक्त किया गया है। अगला है ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष। ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं, जिन्हें उनको नियुक्त किया गया है। या किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो यह GS चतुर्वेदी के स्थान पर 1 जुलाई 2024 से या 16 फरवरी 2029 तक इस पद पर यह कार्य करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदीप कुमार सिन्हा का कार्यकाल क्या होगा बच्चों, तो यह 1 जुलाई 2024 से लेकर 16 फरवरी 2029 तक इस पद पर कार्य कर सकते हैं। और यह एक अर्थशास्त्री भी है, ठीक है, और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1977 ईस्वी में उन्होंने शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का नया अध्यक्ष। ICJ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश नवाब सलमान जी को नियुक्त किया गया है। या किस देश के रहने वाले बच्चों? या लेबनान के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही युगांडा की जज जूलिया सुबेडिंडेन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो जूलिया सुबे टिंडन को यह नियुक्त किया गया है। नवाब सलमान अमेरिकी न्यायाधीश जॉन डोंगियू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जो न्यायाधीश नवाब सलमान जी हैं और जॉन डोंगियू के स्थान पर नियुक्त किया गया है। हर अपॉइंटमेंट में अगर किसी की होती है जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसने रिप्लेस किया है, किसने कार्य किया है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है बच्चों? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संयुक्त राष्ट्र प्रावधान न्यायाधीश का एक अंग भी है। इसकी स्थापना संयुक्त चार्टर के अनुसार 1945 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1945 ईस्वी में की गई थी और अप्रैल 1946 ईस्वी में अपना कार्यकाल आरंभ किया था। अगर स्थापना 1945 में ही हो गया था, परंतु अप्रैल 1946 ईस्वी में ने अपना कार्यकाल शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं कि इसके मुख्यालय कहाँ है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसके मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो हेग में नीदरलैंड में स्थित है। यह कितने भाषाओं में कार्य करते हैं बच्चों? तो यह 2 भाषाओं में कार्य करते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य होती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ICJ में कितने जजेज होते हैं बच्चों? तो इसमें 15 जज होते हैं, ठीक है, यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका कार्यकाल कितने होते हैं बच्चों? तो यह 9 वर्षों तक इस पद पर ये 15 जज रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ICJ में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था बच्चों, तो यह डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का यह प्रथम व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया गया है।
तो यह आपको याद करके रखना होगा कि आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह नगेंद्र सिंह जी हैं जो ये प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे किया है, तो यह निखिल जोशी जी हैं, निखिल जी जोशी को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। और बिहार के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नंद किशोर जी को, नंद किशोर यादव जी हैं उनको नियुक्त किया गया है। अगला है, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसहुमेन ट्रेवलिंग टिकट प्रति CTE से नियुक्त किया गया है, तो यह सिंधु गणपति जी हैं, सिंधु गणपति जी को पहली महिला ट्रेवलिंग टिकट परीक्षण नियुक्त किया गया है, जो रेलवे के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में एशियाई बैंक यानी ADB की कंट्री निदेशक, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एशियाई बैंक यानी ADB की कंट्री निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह मियो ओका जी हैं जो इनको नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह टेको कोनिशी के स्थान पर यह नियुक्त किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ADB के बारे में हमेशा पूछा जाता है और एक संस्था है जो इसको प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो यह आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को राजस्थान के नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वह कौन से नंबर के हैं बच्चों, तो यह 19वें महाधिवक्ता के रूप में यह कार्यकाल शुरू किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि 1985 में राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की पढ़ाई किया था, LLB की उपाधि प्राप्त किया था। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता LLB की उपाधि कब प्राप्त किए थे बच्चों, तो 1985 में LLB की उपाधि प्राप्त किए थे। इसके साथ ही 1986 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी परीक्षा इन्होंने क्वालिफाई किया और इस पद पर भी कार्य किए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम CA बोलते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट, तो इस पद के लिए भी यह चयनित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह न्यायमूर्ति रितु बाहरी जी को नियुक्त किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंधित में। यह मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और 1986 में यह वकील बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायमूर्ति रितु बाहरी वकील कब बनी थी, तो 1986 में यह वकील बनी थी। और 2010 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने से पहले, पंजाब और हरियाणा में न्यायाधीश बनने से पहले हरियाणा में या कुछ बड़ी भूमिकाओं तक इन्होंने काम किया था। यह हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र बहुत सारे कार्य इन्होंने किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है, TRAI महत्वपूर्ण अध्यक्ष किसके हैं, तो यह अनिल कुमार लोहाठी को TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले वे रेलवे बोर्ड के प्रमुख रह चुके हैं, रेलवे बोर्ड के या प्रमुख रह चुके हैं, जो अब वर्तमान में TRAI का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब ये किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह मीनाक्षी गुप्ता के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है, जो भारतीय दूर संचार नियामक
प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, पांडुचेरी का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पांडुचेरी का सचिव शरद चौहान जी को नियुक्त किया गया है। वहीं दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? रिटायर्ड एडमिरल उपल कुंडो जी को नियुक्त किया गया है। यह उपल कुंडो जी हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है इस पद के लिए। ठीक है बच्चों, और अगला नियुक्ति है रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक। अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यह समीर कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, अब बात करते हैं भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बताइए बच्चों, तो भूटान के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह शेरिंग टोबगे जी हैं जो यह भूटान के नए प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। और इनका यह कार्यकाल कब है? यह दूसरे कार्यकाल के लिए भी पद पर संभाला है। इसके पहले भी वो भूटान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह कब रह चुके हैं? तो यह 2013 से 2018 के बीच में यह भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और यह आपसे पूछा जाए कि यह किस पार्टी से संबंधित है बच्चों? तो यह पीडीपी यानी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं जिन्हें भूटान के नए प्रधानमंत्री के पद संभाला है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? WTO में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो यह सेंथिल पार्डियन सी को नियुक्त किया गया है। यह एक IAS अधिकारी हैं। ठीक है बच्चों, और यह बजेंद्र नवनीत का स्थान लिया है। बजेंद्र नवनीत का इन्होंने स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंथिल पार्डियन सी की कार्यकाल कितने वर्षों की है बच्चों? तो यह 3 वर्ष की कार्यकाल है। अगर आपसे हम बात करें कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है बच्चों? तो यह निओजी ओकोंजो डेलवा जो WTO के वर्तमान अभी महानिदेशक के पद पर आसीन है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो IPS रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। या किसके स्थान पर नियुक्त किया गया बच्चों? रजनीश सेठ जी हैं के स्थान पर महाराष्ट्र की पहली डीजीपी किया गया है। इसलिए फेमस है कि यह पहली महिला डीजीपी हैं और वो भी महाराष्ट्र की। यह शुक्ला मार्च 2023 में तहत सीमावल SSB की DGP रह चुकी। अगर यह आपसे पूछा जाए कि रश्मि शुक्ला इसके पहले इस पद पर भी कार्य कर चुके हैं, तो यह SSB के DG भी रह चुकी हैं जो अपने पद पर रहते हुए प्रमुख कार्यों किया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है एशिया विकास बैंक यानी ADB के कार्यकारी निर्देशक से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यह विकासशील जी हैं जो इनको निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ADB में कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार, एक तो कार्यकारी डायरेक्टर होते हैं, उसके एक सलाहकार भी होता है, उसको सलाह देता है, तो उसको किससे नियुक्त किया गया है? तो यह स्मिता सारंगी जी हैं जो यह ADB के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी SEBI के कार्यकारी निर्देशक से नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जाए
यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इस सेबी के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह जी राम मोहन राव, जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा बच्चों? तो यह 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, नौसेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, या दिनेश के त्रिपाठी जी हैं जो नौसेना के उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, फ्लैग ऑफिसर और कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, यह वाइस एडमिरल के दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो यह सेना के क्षेत्र में यह परिवर्तन हुआ है, अपॉइंटमेंट किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा जाए कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह अरविंद पनगरिया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। या नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे अपॉइंटमेंट आपको 3 महीनों के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया गया है। अगर यह हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों और साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, और उसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।